हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप? तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते बच्चे। तो आज हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये रिपीट करने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसके और कुछ हम लोग एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये देखिए, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय टू। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये लिमिट आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट इसको यल से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, लिमिट इज डिनोटेड बाय यल। तो इसको यल लेंगे, ये लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय टू, ये कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय टू। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड इन द केस ऑफ लिमिट, यानी लिमिट में सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने की पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लिमिट होना चाहिए ये लिमिट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको पहली कंडीशन बताया कि लिमिट यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे कोई भी लिमिट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पाई बाय टू है, ये मैंने आपको पहली कंडीशन बताया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ जीरो यहाँ पे है पाई बाय टू, बराबर। तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पाई बाय टू है मतलब नॉन जीरो लिमिट है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये जो लिमिट है ये डायरेक्ट आपको न्यूमरेटर डिनोमेटर में पुट करना है। जैसे डायरेक्ट पुट करेंगे पाई बाय टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस पाई बाय टू, देन आपको कॉस पाई बाय टू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉस पाई बाय टू इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 होता है जीरो। तो यू मस्ट नो दिस वैल्यूज, कॉस 90 जीरो होता है, ये डिग्री में, ये रेडियंस में ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री को पाई बाय टू, तो कॉस पाई बाय टू होता है जीरो। देन जैसे यहाँ पे देखिए पुट करेंगे पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू जीरो होता है। मतलब पहली बात, यहाँ पे लिमिट नॉन जीरो है, एंड ये लिमिट अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुट करते तो आपको न्यूमरेटर जीरो मिलता है एज वेल एज डिनोमिनेटर जीरो मिलता है। तो इन दिस केस वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नॉन जीरो लिमिट को जीरो में चेंज करते। अब जीरो में क्यों चेंज करते, क्योंकि लिमिट में जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले बने हैं लिमिट के, वहाँ पे लिमिट जीरो ही होता है बच्चों। इसलिए हम लोग ये नॉन जीरो लिमिट को जीरो में चेंज करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देन अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते, जैसे एक्स टेंस टू पाई बाय टू है यहाँ पे लिमिट, तो यहाँ पे पुट करते एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी लिमिट है जैसे पाई बाय टू है, इसमें आपको एच ऐड करना है। एच ये देखिए, यहाँ पे जो भी लिमिट होगा उसमें आपको एच ऐड करना है, इसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन। देन व्हेन एवर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड इन द केस ऑफ लिमिट, लिमिट में जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते तब तब हम लोग लिमिट चेंज करते। क्या चेंज करते लिमिट, तो लिमिट कैसे चेंज करते, हमारे पास जो ओरिजिनल लिमिट है, ओरिजिनल कौन सा है, एक्स टेंस टू पाई बाय टू, ये ओरिजिनल लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड में पुट करते। यहाँ पे पुट करेंगे ये पाई बाय टू,
तो पुट करेंगे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू कैंसल, आपको नया लिमिट मिलेगा यस टेंस टू जीरो, ये कैंसल होगा तो जीरो मिलेगा। मीन्स व्हेन वी पुट यक्स टेंस टू पाई बाई टू इन दिस सब्सटीट्यूशन देन वी गेट न्यू लिमिट यस टेंस टू जीरो। देन आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको इसकी जगह नया लिमिट लिखना है। ये देखिए ये लिमिट, या आप इसकी जगह नया लिमिट लिखेंगे यस टेंस टू जीरो, और यहाँ पे ये जो यक्स है यक्स, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू पुट करना है आपको, ये पाई बाई टू प्लस एच, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस एच अपॉन यक्स की जगह पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस एच, ये माइनस पाई बाई टू, ये देखिए देन ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कैंसल। अब ये जो कॉस पाई बाई टू प्लस एच है बराबर, तो ये इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये देखिए ये फार्मूला, फार्मूले आपको पता होना चाहिए बराबर, ये कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये फार्मूला है बच्चों बराबर, फार्मूला है ये होता है माइनस साइन थीटा, ये देखिए फार्मूला कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, ओके माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये देखिए ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, थीटा की जगह यहाँ पे यश है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा माइनस साइन यच बराबर अपॉन यहाँ पे यच, देन ये माइनस को निकालना आपको बाहर, ये माइनस बाहर, ये लिमिट यस टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। अब ये तो फार्मूला है, इसकी वैल्यू वन, ये देखिए मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था बराबर, ये देखिए लिमिट यक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, ये फार्मूला है तो इसकी वैल्यू वन, तो इसका आंसर आएगा माइनस वन। तो इस तरह बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इवैल्यूएट लिमिट यक्स टेंस टू वन ब्रैकेट वन प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे यल, यल इज इक्वल टू गिवन लिमिट, ये लिमिट यक्स टेंस टू वन वन प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर, ये लिमिट आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिमिट नॉन जीरो है, अब ये लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे एक्स की जगह वन, तो यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू होती है कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, ओके इसकी वैल्यू होती है माइनस वन, आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस पाई अरे वन पुट करेंगे तो बचेगा कॉस पाई कितना होता है माइनस वन, वन माइनस वन कितना मिलेगा जीरो, जीरो न्यूमरेटर जीरो, यहाँ पे पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, यानी ये जीरो बाय जीरो फॉर्मूला, मतलब ये नॉन जीरो लिमिट अगर न्यूमरेटर डिनोमेटर में पुट करते तो न्यूमरेटर जीरो मिलता है एज वेल एज डिनोमेटर जीरो मिलता है। तो इन दिस केस वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पुट यक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वन है तो इसमें यच ऐड करेंगे, यानी यक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच पुट करेंगे, देन बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं हम लोग, तो हमारे पास में जैसे ये ओरिजिनल लिमिट है यक्स टेंस टू वन, ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे बराबर वन 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 कैंसल, नया लिमिट आपको हमेशा मिलता है यक्स टेंस टू जीरो, ये नया लिमिट मिलता है, देन ये नया लिमिट आपको पुट करना है यहाँ पे, ये लिमिट यस टेंस टू जीरो
यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई यक्स की जगह पुट करेंगे 1 प्लस एच, देखिए यक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, अपॉन यहाँ पे 1 माइनस फिर से यक्स है फिर से यक्स, यक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एच देन होल स्क्वायर बराबर। ये देखिए मैंने यक्स की वैल्यू दोनों जगह पुट किया 1 प्लस एच 1 प्लस एच, देन आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए ये एज इट इज़, पहले लिमिट नॉन जीरो था, लिमिट जीरो में लाया मैंने बराबर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये 1 प्लस कॉस पाई से मल्टीप्लाई करना है आपको, इस ब्रैकेट को पाई इंटू 1 पाई प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन पाई एच अपॉन यहाँ पे ये कैंसल माइनस एच बचेगा, यहाँ पे माइनस एच, माइनस एच का स्क्वायर विच इज़ प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस पाई प्लस पाई एच है तो हमारे पास में फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला है कॉस पाई प्लस थीटा, ये कॉस पाई प्लस थीटा बराबर, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला है कॉस पाई प्लस थीटा विच इज़ माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह देखिए यहाँ पे पाई एच है बराबर, पाई एच तो इसकी जगह आएगा पाई एच। तो आगे देखिए ये लिमिट यस टेंस टू जीरो यहाँ पे आएगा 1 माइनस माइनस ये फार्मूला कॉस पाई एच अपॉन यच स्क्वायर, ये देखिए देन आपको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते ये जीरो, ये तो यहाँ पे जीरो, जीरो इंटू पाई कितना होगा जीरो, कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, फिर से ये जीरो आता है बराबर, अब यहाँ पे भी जीरो आता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, अगर लिमिट जीरो है यहाँ पे वो न्यूमरेटर डिनोमेटर में पुट करेंगे, एंड इफ वी गेट न्यूमरेटर टेंस टू जीरो एज वेल एज डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जीरो मिलता है उसको सॉल्व करते बराबर। तो जैसे न्यूमरेटर जीरो मिलता है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला है, ये देखिए फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी इसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे। साइन में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो अगर ये साइन में आता है तो इसको फार्मूले में स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते, इसलिए यहाँ पे देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे, साइन में ट्रांसफ़र करेंगे, ये एज इट इज़ इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर पाई एच बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, थीटा की जगह पाई एच है तो पाई एच बाई 2 अपॉन यच स्क्वायर, इतनी आना चाहिए। देन ये 2 को निकालेंगे बाहर, कॉन्स्टेंट ये लिमिट यस टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर, यानी साइन पाई एच बाई 2 अपॉन यहाँ पे एच ये होल स्क्वायर, देखिए लिखा मैंने ब्रैकेट स्क्वायर। अब वो जो फार्मूला है बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स का, ये जो फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये जो फार्मूला है इसकी खास बात कौन सी बताया था मैंने आपको, न्यूमरेटर में जो एंगल है सेम डिनोमेटर में होना चाहिए बराबर, होना चाहिए, अगर यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे यक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे पाई एच बाई 2 है तो यहाँ पे भी पाई एच बाई 2 होना चाहिए, तभी ये फार्मूला बनेगा, एंड इसकी वैल्यू होगी 1, तो इसको बनाएंगे फार्मूला बनाएंगे, ये 2 ये लिमिट यस टेंस टू 0 यहाँ पे साइन पाई एच बाय 2 अपॉन पाई एच बाय 2, अब यहाँ पे पाई बाय 2 ज़्यादा का है, यच पहले से यहाँ पे ये डिनोमेटर में है, ये एक लेंगे न्यूमरेटर में होल स्क्वायर, ये 2 बराबर, अब ये बन गया फार्मूला, इसकी वैल्यू 1
ये पाई बाई टू होल स्क्वायर टू इंटू पाई स्क्वायर बाई फोर बराबर। अब ये पाई स्क्वायर बाई टू इसका आंसर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टू बचेगा, तो ये आना चाहिए इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिमिट यक्स टेंस टू वन, वन माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई यक्स। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बराबर। तो पहले इसको लिखेंगे यंग, ये लिमिट यक्स टेंस टू वन, वन माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई यक्स। अब यहाँ पे लिमिट देखेंगे तो देखिए नॉन जीरो लिमिट है वन। अब ये लिमिट अगर हम लोग न्यूमरेटर में पुट करते तो वन माइनस वन जीरो, ये जीरो मिलेगा न्यूमरेटर। डिनोमेटर में पुट करेंगे वन, वन इंटू पाई पाई साइन पाई, साइन पाई जीरो होता है। ये देखिए आपको पता होना चाहिए साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है जीरो। साइन 180 जीरो होता है यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो मिलेगा। नॉन जीरो लिमिट है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सी मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये यक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वन है, इसमें यच ऐड करेंगे यानी पुट यक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच। ओके देन लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे यक्स टेंस टू वन, ये जो लिमिट है ओरिजिनल, ये पुट करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको हमेशा नया लिमिट मिलेगा यक्स टेंस टू जीरो, वन वन कैंसिल होगा ना यहाँ पे बराबर। अब ये नया लिमिट पुट करना है आपको यहाँ पे, ये देखिए लिमिट यक्स टेंस टू जीरो, नया लिमिट वन माइनस, जहाँ पे यक्स है वहाँ पे यक्स की वैल्यू पुट करना है वन प्लस एच। तो यहाँ पे पुट करेंगे वन प्लस यच होल स्क्वायर अपॉन ये साइन पाई यक्स की वैल्यू वन प्लस एच। देखिए मैंने यक्स की जगह पुट किया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आगे देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे बराबर। तो ये इज इक्वल टू ये लिमिट यस टेंस टू जीरो, ये वन माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे बराबर, विच इज ये स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये स्क्वायर वन प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन साइन, ये पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई प्लस पाई एच बराबर। अब आगे देखिए आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये वन माइनस वन कैंसिल, माइनस टू एच प्लस यच स्क्वायर अपॉन। अब ये जो है साइन पाई प्लस पाई एच, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये साइड में लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला। ओके तो ये पता होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते साइन साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला, ये साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, आपको याद होगा ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सही है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज किया मैंने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये जो साइन पाई जीरो होता है जीरो, तो जीरो इंटू ये कॉस थीटा ये होगा जीरो, प्लस कॉस पाई होता है माइनस वन, माइनस वन इंटू साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा, यानी ये मिलेगा आपको माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला है साइन पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पाई एच है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन पाई एच बराबर, माइनस साइन पाई एच। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे निकालो यच कॉमन, यच को कॉमन निकालो, टू प्लस एच अपॉन साइन
पाई एच। अब इसको बनाएंगे फार्मूला हम लोग साइन एच अपॉन एच वाला, ये एच को डिनोमेटर में लिखेंगे। देखे देखे किस तरह लिखते हम लोग, ये इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच अपॉन साइन पाई एच, ये डिनोमेटर में ऐसे लिख सकते हम लोग अपॉन एच, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको बनाएंगे फार्मूला, तो यहाँ पे पाई एच है तो यहाँ पे भी पाई एच होना चाहिए, पाई एच, पाई की एडजस्टमेंट करेंगे, ये लिमिट यस टेंस टू जीरो टू प्लस एच अपॉन साइन पाई एच अपॉन पाई एच इंटू पाई, बराबर। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे ये टू प्लस जीरो होगा, ये फार्मूला इसकी वैल्यू वन इंटू ये पाई, यानी आपका आंसर होगा टू अपॉन पाई, ये होना चाहिए आपका आंसर। तो चलिए बच्चों, आपको इसकी कॉपी करना है, एक मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए अपॉन एक्स माइनस ए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए अपॉन एक्स माइनस ए। सबसे पहले इसको लिखेंगे यल, यल इज इक्वल टू गिवन लिमिट, ये देखिए ये कॉस एक्स माइनस कॉस ए अपॉन एक्स माइनस ए, बराबर। अब यहाँ पे देखिए लिमिट फिर से नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस ए जीरो मिलेगा न्यूमरेटर, ये डिनोमेटर भी जीरो मिलेगा, बराबर, यानी न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों जीरो मिलेंगे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे, अब आया समझ में आपको सब्सटीट्यूशन मेथड, ये नॉन जीरो लिमिट न्यूमरेटर डिनोमेटर में अगर पुट करते हम लोग डायरेक्टली तो आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलता है। तो इन दैट केस सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे, तो सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, ये जो यक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी लिमिट है इसमें यच ऐड करते, यच यानी पुट यक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, इसको बोलेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। देन जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते लिमिट में, देन हम लोग लिमिट चेंज करते लिमिट। अब जैसे लिमिट कैसे चेंज करते, ये जो ओरिजिनल लिमिट है हमारे पास, ये ओरिजिनल लिमिट सब्सटीट्यूशन मेथड में पुट करते, यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, आपको नया लिमिट मिलेगा यस टेंस टू जीरो, हमेशा आपको यही लिमिट मिलेगा यस टेंस टू जीरो। देन आपको क्या करना है, ये जो नया लिमिट है इसकी जगह अब आपको नया लिमिट पुट करना है, ये देखिए नया लिमिट, एंड ये जो यक्स है यक्स यक्स की जगह पुट करना है आपको ये प्लस एच, यक्स की वैल्यू माइनस ये कॉस ये अपॉन यक्स की जगह ये प्लस एच माइनस ये, बराबर। ये देखिए बराबर पुट कर दिया मैंने, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि लिमिट जीरो है तो स्टैंडर्ड फार्मूले में लाएंगे फंक्शन को, तो इसके लिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जैसे इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम लोग इसको ये लेते हैं इसको बी लेते हैं, तो हमारे पास में ये फार्मूला है कॉस ये देखिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस ये माइनस कॉस बी, ओके। तो यहाँ पे दो केसेस है, कॉस ए माइनस कॉस बी में, अगर यहाँ पे देखिए ईप यहाँ पे दो केसेस मिलेंगे आपको, पहली केस अगर ये बी से ग्रेटर है तो अलग फार्मूला होता है, सेकंड केस अगर बी ये से ग्रेटर है तो अलग फार्मूला होता है। तो जैसे अगर ये बड़ा ये तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस टू साइन ये प्लस बी बाई टू
इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। एंड देखिए अगर ये बड़ा है तो सामने में आएगा माइनस, ओके माइनस बराबर, एंड बी बड़ा है बी बी तो माइनस नहीं आता है सामने में। देखिए ये टू टू सेम, ये साइन सेम, ये ए प्लस बी बाई टू ये भी सेम, ये साइन सेम, बट ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पे ये बड़ा है तो ये माइनस बी, बी बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ये बड़ा है तो ये माइनस बी, बी बड़ा है तो बी माइनस ए, बाकी सेम। एंड ये ग्रेटर है तो सामने में माइनस साइन लिखना है, बी ग्रेटर है तो माइनस ड्रॉप करना है। तो ये फार्मूले हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर है ये बराबर, ये ग्रेटर है ग्रेटर ये, तो पहला वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। पहला वाला ये देखिए, ये लिमिट यस टेंस टू जीरो माइनस टू साइन ए प्लस बी, ये यानी क्या है ये प्लस एच प्लस बी, बी कितना है ये बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी, ये कितना ए प्लस एच माइनस ए अपॉन टू बराबर अपॉन यहाँ पे एच बचेगा, एच यहाँ तक सॉल्व किया हमने। देन ये जो माइनस टू है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे बराबर। अब देखिए अब ये ए प्लस ए इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, टू ए प्लस एच बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे इसको कैंसल, यहाँ पे एच बाई टू अपॉन एच बराबर। देन आपको क्या करना है, अब अगर हम लोग इसको देखेंगे इसको, तो ये बन सकता है फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, इसको हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। बस यहाँ पे एच बाई टू है तो यहाँ पे एच बाई टू होना चाहिए बराबर, सेम एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे एंड यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे रियल वैल्यू मिलेंगी। देखिए ये माइनस टू, ये लिमिट यस टेंस टू जीरो साइन टू ए प्लस एच बाई टू इन टू लिमिट यस टेंस टू जीरो, जो फार्मूला बन सकता है उसको फार्मूला बनाएंगे। यच बाई टू यहाँ पे है, यहाँ पे भी यच बाई टू चाहिए तो लिखा मैंने, बट यहाँ पे फार्मूला तो बन गया इसकी वैल्यू वन, बट वन बाई टू डिनोमेटर में ज़्यादा का है तो एक वन बाई टू आपको लेना है न्यूमरेटर में, दिस इज राइट एडजस्टमेंट। देखिए फार्मूला बन गया ओके, और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई बराबर। अब आगे देखिए ये माइनस टू यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट, ये टू ए प्लस जीरो अपॉन टू इंटू ए वन इंटू वन बाई टू, ये टू टू कैंसिल करेंगे, ये टू कैंसिल करेंगे बराबर, क्या मिलेगा आपको माइनस साइन ए, तो ये आना चाहिए इसका आंसर बराबर बच्चों। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आई होंगी, कब यूज करते हैं, लिमिट नॉन जीरो है एंड वो लिमिट अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमेटर में पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों जीरो मिलते हैं तो इन दैट केस वी यूज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, पुट यक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसमें यच याट करना है बराबर। देन जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे लिमिट में, तब हम लोग लिमिट चेंज करते हैं बराबर। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ये जो ओरिजिनल लिमिट है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में पुट करते हैं, काय में पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये कैंसल, तो आपको नया लिमिट हमेशा मिलता है यस टेंस टू जीरो। देन ये नया लिमिट एंड यक्स की वैल्यू, नया लिमिट एंड यक्स की वैल्यू ये ओरिजिनल प्रॉब्लम में पुट करते यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने नया लिमिट पुट किया, यहाँ पे मैंने यक्स की वैल्यू पुट किया। अब मेरा एम था नॉन जीरो लिमिट को जीरो में चेंज करना, जैसे लिमिट जीरो आता है वैसे हम लोग उसको सॉल्व करते और वहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूले में उसको ट्रांसफ़र करते। तो इसको सॉल्व किया मैंने, जैसे ये कैंसल,
देन यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला यूज किया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक, ये देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला ए बी के बाद पुट किया, देन ए प्लस ए टू ए यहाँ पे एच आज इट इज, ये बाई टू आज इट इज यहाँ पे कैंसल। अब यहाँ पे दोनों साइन है, साइन है तो ये फार्मूला देखिए साइन वाला, तो हम लोग देखेंगे दो में से कौन सी जगह ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल एडजस्टमेंट करेंगे तो ये फार्मूला बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलता है रियल वैल्यू, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, इसको फार्मूला बनाएंगे, देखिए मैंने एडजस्टमेंट किया, ये फार्मूला बन गया, इसकी वैल्यू वन, ये एज इट इज़ यहाँ पे जीरो, आपको आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आए होंगे बच्चों। तो चलिए अब आपको इसकी कॉपी करना है एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बाय बच्चों।